लैंडस्लाइड का ये वीडियो पूर्वी सिक्किम के बलुतार से सामने आया है। जिसने भी ये मंजर देखा दंग रह गया। पहाड़ी का हिस्सा जब नीचे गिरा तो एनएचपीसी पावर हाउस बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा और बिजली के खंभे मिट्टी में मिल गए। लैंडस्लाइड का ये मंजर दूसरे एंगल से देखिए, मानो ऐसा लग रहा है जिसे पहाड़ से मलबे का ढेर पानी की तरह नीचे उतर रहा है। एक तरफ झरना और दूसरी तरफ पानी का तेज बहाव और बीच में फंसे ये लोग। वीडियो हिमाचल प्रदेश के मंडी का है, जहां नाले में उफान के बाद पानी सड़क पर आ गया और लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते दिखाई दिए। इसी रास्ते से निकलते वक्त ये स्कूटी वाला फंस गया था, जिसे बाद में राहगीरों ने बाहर निकाला। रस्सी के सहारे नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाते ये लोग कोई एडवेंचर नहीं कर रहे, बल्कि इनका रेस्क्यू किया जा रहा है। वीडियो उत्तराखंड पुलिस ने जारी किया है। टिहरी में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद अस्थायी पुल बह गया, जिसके चलते 8 पर्यटक समेत 17 लोग फंस गए थे, जिन्हें बाहर निकाला गया। ऐसा लग रहा है कि सड़क पर उल्टी नाव बह रही है और एक लड़का उस नाव पर बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वीडियो को शुरुआत से देखिए। एक लड़का पानी को चीरते हुए स्कूटी चला रहा है, तभी वो अनियंत्रित होता है और पानी में गिर जाता है, और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। लड़के को बहता देख कुछ लोग उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बचाने के लिए पहुंचा एक लड़का भी बह जाता है। वीडियो तेलंगाना के मेडचल जिले से सामने आया। बारिश के बाद दक्षिण भारत के कई इलाकों का हाल ऐसा ही हो चुका है, कहीं घुटने तक पानी है तो कहीं कमर तक। तेलंगाना के मेडचल में आवासीय और औद्योगिक दोनों ही इलाके पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। देर रात बारिश हुई और हैदराबाद में एलबी स्टेडियम की दीवार भरभराकर जमीन पर आ गिरी। हालांकि गनीमत यह रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। दिल्ली में जोरदार बारिश हो और आईटीओ का इलाका न डूबे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। एक बार फिर दिल्ली में बादल बरसे और आईटीओ पानी पानी हो गया। फ्लाईओवर से पहले वाली सड़क पूरी तरह से पानी में डूबी हुई नजर आई। ऐसा लग रहा था कि यहां सड़क नहीं बल्कि कोई नदी हो। वीडियो दिल्ली के मिंटो रोड का है। बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा हुआ और गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। वीडियो में एक एम्बुलेंस भी नजर आ रही है, जो बीच सड़क पर ही पानी के चलते खराब हो गई। दिल्ली में आधे घंटे की बारिश हुई और मिंटो ब्रिज का इलाका ऐसा हो गया मानो यहाँ कोई नदी या तालाब है। करीब 8 से 9 फीट तक भरे पानी में जो फंसा वो इस ऑटो की तरह वहीं फंस कर रह गया। ऑटो का ड्राइवर किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन जरूरी कागज ऑटो में ही छूट गए। वीडियो में दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स भी पूरी तरह से डूबे हुए हैं। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास का नजारा है, जो पानी में डूबा हुआ है। सड़क किनारे दुकान वाले पानी में खड़े हैं, पुल के नीचे से लोग पैदल निकल रहे हैं और कुछ लोग इस स्कूटी वाले की तरह पानी में ही फंसकर खड़े हैं। ये दिल्ली का वो इलाका है जहां सांसदों और मंत्रियों का आवास है। वीडियो में दिख रहा है कि सांसदों के घर के बाहर से लेकर सड़क तक हर जगह पानी जमा है। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के दूसरे इलाकों का भी है। ये वीडियो गीता कॉलोनी से आया है, जहां सड़क पानी में डूबी हुई नजर आई। कुछ लोग पैदल जा रहे हैं तो कुछ लोग गाड़ी में धक्का लगा रहे हैं। वीडियो हरियाणा के सोनीपत का है, जहां बारिश के बाद लोग परेशान हो गए। बारिश इतनी तेज हुई कि शनि मंदिर रेलवे अंडरपास तालाब में तब्दील नजर आया। कुछ ऐसा ही हाल शहर के दूसरे इलाकों का भी दिखाई दिया। गाजियाबाद में बारिश के बाद दिल्ली जाने वाली एलिवेटेड सड़क पूरी तरह से जाम हो गई। जाम ऐसा लगा कि कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की कतार नजर आ रही थी। अब इस अस्पताल में लोग इलाज करवाने आए या फिर बीमार होने। वीडियो मध्य प्रदेश के मुरैना का है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बारिश के पानी के बाद तालाब बन चुका है। बेड पर मरीज लेटे हैं और पानी में तीमारदार खड़े हैं। अंदर से बाहर तक पूरे अस्पताल की यही स्थिति है। राजकोट में नेशनल हाईवे पर बोलेरो से टकराई स्विफ्ट कार, 4 युवकों की दर्दनाक मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। देखिए कैसे हादसे के बाद स्विफ्ट कार रेलिंग के दूसरी तरफ पलटते हुए जाती दिख रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दर्दनाक हादसा, खजुराहो झांसी 4 लेन पर ट्रक से भिड़ी ऑटो, ऑटो ड्राइवर समेत 7 सवारियों की मौत, 6 घायल। बागेश्वर धाम जा रहे थे सभी लोग। ये महिलाएं किसी तहखाने में नहीं बल्कि एक बिल्डिंग के लिफ्ट से निकाली जा रही हैं।
वीडियो इंदौर से आया जहां बिल्डिंग की लिफ्ट अचानक रुक गई और कई लोग उसमें फंस गए। काफी देर तक चिल्लाने पर भी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। ये लोग खुद किसी तरह लिफ्ट खोलकर ऊपर के रास्ते से बाहर निकले। झाड़ू लेकर सड़क पर निकली ये महिलाएं साफ सफाई करने नहीं बल्कि उन नशेड़ियों को ढूंढ रही हैं जो शराब पीने के बाद महिलाओं को छेड़ते हैं। वीडियो मुंबई का है जहां महिलाओं ने सड़क पर शराब पीने वालों को झाड़ू लेकर दौड़ाया। सीसीटीवी में कैद हुई हिलती हुई ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला की हैं जहां भूकंप ने तबाही के निशान छोड़े हैं। भूकंप इतना तेज था कि कई मकानों में दरारें पड़ गईं। इन घरों का हिस्सा कभी भी गिर सकता है। वीडियो कर्नाटक के बागलकोट का है जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता राज्यपाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और पुतला फूंकते वक्त दो कार्यकर्ता आग की चपेट में आ गए। वीडियो तेलंगाना के मंचिर्याला का है जहां खिड़की के पास एक पिता अपने बेटे को कंधे पर बिठाए हुए हैं और खिड़की के अंदर से दो लड़कियां भाई की कलाई पर राखी बांध रही हैं। दरअसल ये दोनों लड़कियां गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं और उनका छोटा भाई जब पिता के साथ वहां पहुंचा तो हॉस्टल के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। बस फिर क्या था, पिता बच्चे को खिड़की के पास ले गए, कंधे पर बिठाया और मन गया रक्षाबंधन का त्योहार। कोलकाता केस पर सियासत के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। कल दिल्ली में ही गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है मुलाकात। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। चीफ जस्टिस ने पुलिस और अस्पताल प्रशासन की भूमिका पर उठाए सवाल। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दूसरी जगह नियुक्त करने पर भी तल्ख टिप्पणी। कोलकाता केस को लेकर एबीवीपी ने कोलकाता में निकाला मार्च। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की भूमिका पर सवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। वीडियो ठाणे के उसी बदलापुर स्कूल के अंदर का है जहां बच्चियों से यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। स्कूल में तोड़फोड़ कर रहे ये लोग बच्चियों के अभिभावक हैं जो इस घटना के बाद से आक्रोशित हैं। मामले में स्कूल के प्रिंसिपल समेत चार लोगों को निलंबित किया गया है। बदलापुर में बच्चियों से अत्याचार के बाद रेलवे ट्रैक पर उतरे हजारों लोग, दोनों तरफ की ट्रेनें रोकी गईं। दोषी को फांसी पर चढ़ाने की मांग, आरोपी अक्षय शिंदे को किया जा चुका है गिरफ्तार। वीडियो ठाणे का है जब बदलापुर कांड को लेकर लोग रेलवे ट्रैक पर उतरे और पुलिसकर्मी उन्हें वहां से हटाने पहुंचे तो लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। महाराष्ट्र के ठाणे में स्कूल के अंदर दो बच्चियों का यौन उत्पीड़न, गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल के बाहर किया प्रदर्शन। बच्चियों पर अत्याचार के बाद बदलापुर में फैला आक्रोश। सड़क पर उतरे लोगों को पुलिस ने हटाया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। 32 साल पुराने अजमेर सेक्स स्कैंडल में कोर्ट ने 6 दोषियों को सजा सुनाई, आजीवन कारावास की सजा। 5-5 लाख का लगाया जुर्माना। साल 1992 में कॉलेज छात्राओं के साथ हुआ था गैंगरेप। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले से आई चौंकाने वाली खबर। स्कूल के अंदर फर्जी एनसीसी कैंप लगाकर छात्रा से किया दुष्कर्म, मुख्य आरोपी शिवरामन समेत 11 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में हुई नाबालिग लड़की की हत्या के केस में नया खुलासा। मुख्य आरोपी संजय राय ने साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया था। शादी का दबाव बना रही थी नाबालिग, 3 साल से दोनों के बीच फोन पर बात होती थी। अब तक 5 गिरफ्तार। लखनऊ की एक महिला पुलिसकर्मी ब्लैकमेलिंग से परेशान। 5 महीने से युवक कर रहा है ब्लैकमेल। प्रयागराज के रहने वाले अंशुमान पांडे पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। महिला थाने में दर्ज कराया मामला। अब तक आरोपी के 87 मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर चुकी है महिला पुलिसकर्मी। महाराष्ट्र सरकार ने जिले का नाम बदलकर संभाजीनगर तो कर दिया लेकिन आज तक इस इलाके की सड़क नहीं बन पाई। नतीजा ये हुआ कि आदिवासी गर्भवती महिला की डिलीवरी बीच रास्ते में ही करवानी पड़ी। महिला को पहले पिकअप वैन में 3 किलोमीटर तक लाया गया, फिर बीच रास्ते में उसे एम्बुलेंस में बिठाया गया लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी डिलीवरी हो गई। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का पीएम मोदी ने गले लगाकर किया स्वागत, वीडियो भी जारी किया। कहा पिछले 2 सालों में दोनों देशों के पार्टनरशिप में नई गति और ऊर्जा मिली। पिता राजीव गांधी की जयंती पर वीर भूमि पहुंचे राहुल गांधी। सोशल मीडिया पर लिखा, पापा आपकी सीख मेरी प्रेरणा है और भारत के लिए आपके सपने मेरे अपने, आपकी यादें साथ लेकर इन्हें पूरा करूंगा।
बारिश में भीगते हुए सचिन पायलट ने राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस ने शेयर किया राहुल गांधी का कैब ड्राइवर के साथ बनाया गया वीडियो, कहा देश में चुनिंदा लोग अमीर होते जा रहे हैं और बाकी लोग गरीब। तो नहीं लगता कि चुने हुए लोग अमीर होते जा रहे हैं और लार्ज और जो बड़ा मैस है, अब 90% लोग हैं वो नीचे जाते जा रहे हैं। बस वो वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही सिस्टम चल रहा है। राजस्थान में हम एक कानून लाए थे, हमारी जब सरकार थी, आपकी सरकार थी, तो हम कानून लाए थे कि जो भी उबर चलाता है या डिलीवरी करता है, हर ट्रांजैक्शन में उसके लिए थोड़ा सा पैसा पेंशन के लिए कटेगा। तो आपने मान लो आपने राइड की, हर राइड के लिए कंपनी को थोड़ा सा पैसा आपके पेंशन के लिए अलग रखना पड़ेगा, जो आपको बाद में मिलेगा। बिल्कुल सर, इसके बारे में क्या लगता है? बहुत बढ़िया रहा यार,